सो गाइस वेलकम टू द बी स्पोर्ट्स एंड सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने बेसिकली साइनिंग कंप्लीट कर लिया विक्टर मुंगील का जो कि मैं बोलूंगा एक ठीक ठाक साइनिंग है बहुत कुछ ज्यादा खास साइन भी नहीं है हाँ विक्टर मुंगल का परफॉर्मेंस लास्ट सीजन ठीक ठाक था मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्स्ट्रॉडिनरी परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन लाइक यू नो उड़ीसा में उनका बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस था विक्टर मुंगल का लास्ट सीजन एंड ओवरऑल अगर हम लोग देख ले तो एक एवरेज साइज साइनिंग है विक्टर मुंगिल का साइनिंग अगर हम लोग लाइक like, आप कोई से देख सकते हो डिफेंसिव एबिलिटी है नो no डाउट है बट यू नो फिर भी वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है जिस लेवल का यू नो केरला का परॉर्मेंस था लास्ट सीजन एंड जिस लेवल का टीम था केरला का लास्ट सीजन तो विक्टर मोंगल मुझे काफी ज्यादा एक अंडरवेलमिंग सा साइनिंग लगा बट काफी एक ट्रिकी साइनिंग भी हो सकता है शायद विक्टर हम सबको शॉक करके उनका ही परफॉर्मेंस पूरे सीजन में एंड यू नो मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि विक्टर मोंगल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है केरला में अब देखते कि यू नो इस साइनिंग के बारे में आप लोगों का थॉट सब कमेंट करके मुझे जरूर बताना के मोहन बगान की तरफ से तो एडी मोहन बगान ने अपना अंडर थर्टीन एंड अंडर फिफ्टीन टीम का जो कोच है तो तोहन बगान के अंडर थर्टीन एंड अंडर फिफ्टीन टीम के कोच होने वाले अब एक्चुअली बहुत सारे जूनियर टीम्स को मैनेज किया है तो मैं यू नो like, you know, मैं बोलूंगा अच्छा like, डील अच्छा है एंड जोसेफ रोमा नो डाउट बहुत ही बड़े लेवल के आप बोल सकते हो यंग प्लेयर्स मैनेज कर सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से एंड uh, इन्होंने अल हिलाल क्लब का जो जूनियर टीम है उसको मैनेज किया है सो डेफिनेटली टैलेंट बहुत है बहुत ही बढ़िया लेवल के कोच है एंड काफी यू नो हाई प्रोफाइल लेवल के जूनियर टीम के कोच है सो so, देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस मोहन बगान में कैसा रहता है एफ सी गोवा की तरफ से तो एफ सी गोवा टीम का मतलब जो फर्स्ट टीम असिस्टेंट कोच है वो है गौरमंगी सिंह अब गौरमंगी सिंह एक्चुअली इंडिया नेशनल टीम का okay, उन्होंने मैचेस खेला है एंड उन्होंने आई में भी खेला है चेन्नई एंड पुणे सिटी का होके एंड लास्ट वो यू नो बेंगलोर यूनाइटेड में एज असिस्टेंट कोच थे एंड अभी वो गोवा में आ चुके तो मेरे सबसे अच्छा डील है गोवा के लिए फर्स्ट टीम के असिस्टेंट कोच है तो इंडियन प्लेयर्स के साथ इनका इंटरेक्शन भी काफी बढ़िया होगा एंड इंडियन प्लेयर्स को लाइक अच्छे से चीज़ों को समझा भी पाएंगे क्योंकि अब एक तो इन्होंने खुद नेशनल टीम में मैचेस खेला है मतलब इंडियन नेशनल टीम को इन्होंने खेला है सो नो डाउट मैं बोलूँगा गोवा के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन अब देखते हैं कि यू you नो know, इनके अंडर एफ गोवा टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है सेक्शन वो भी अरे केरला ब्लास्टर्स एफ सी के ही तरफ से तो केरला यू you नो know, जॉर्ज पीरडियास का साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया सैडली एकदम एंड मोमेंट में जाके यू नो ये डील कैंसिल हो गया जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा बात नहीं है एंड अगर हम लोग देख तो लाइक यू नो जॉर्ज पीरडिया के साथ लास्ट हफ्ते तक भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात चल रहा था एकदम यू नो कॉन्ट्रैक्ट चीज रेडी हो गया था लेकिन लास्ट एक हफ्ते में पूरा डील कोलैप्स कर गया ड्यू टू तो सम यू नो इनसाइड रीजंस जो हम को नहीं पता है अभी तक जब पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा बड़ा डेफिनेटली केरला के लिए बहुत अच्छा बात तो नहीं है क्योंकि जॉर्ज एक बहुत ही की प्लेयर थे केरला की टीम में एंड केरला उसी प्लानिंग के साथ जा रहा था कि नहीं वो हमारे की प्लेयर है उनको रिटेन करना ही है बट सैडली ऐसा हो नहीं पाया जो कि केरला के लिए एक सेटबैक तो डेफिट

एंड uh, मैं तो बोलूंगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा साइनिंग है बार्सिलोना के लिए अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बार्सिलोना रफीना का साइनिंग कंप्लीट कर लेंगे लाइक like, बात तो चल रहा था बट फिर भी यार रफीना के लिए अच्छा खासा ट्रांसफर फी डिमांड किया था एक्चुअली लीड्स ने स्टार्टिंग से वो करते आ रहे थे एंड यू नो सिक्सटी मिलियन यूरो का ये डील हुआ है जो कि काफ़ी ही ज्यादा बड़ा डील है लाइक सिक्सटी मिलियन यूरो लाइक like, बहुत बहुत ही ज्यादा एक अनएक्सपेक्टेड सा ये चीज़ हुआ है एंड अगर हम लोग देख ले तो प्रीमियर लीग में भी सीजन इनका ऑफ काफी ज्यादा बढ़िया था एज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सिर्फ ट्वेंटी फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है एंड अटैकिंग अटैकिंग मिडफील्ड में सकता है बार्सिलोना को एंड अटैकिंग मिडफील्ड के साथ साथ राइट विंग में भी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते तो दो पोजिशन इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉग है एंड इन दोनों पोजिशन में डोमिनेट करके खेलते बहुत ही ज्यादा बड़ा साइनिंग बार्सिलोना के लिए

कर नहीं